दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ हारिस रौफ का आया तूफान, झटके इतने विकेट। जीत के बाद पाकिस्तान टीम को हुआ पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा, तो वहीं दोस्तों हार के बाद बांग्लादेश टीम को एशिया कप 2023 पॉइंट्स टेबल में हुआ बहुत बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा है पाकिस्तान बांग्लादेश मुकाबले के बाद एशिया कप 2023 पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल, किस टीम को हुआ है फायदा, किस टीम को हुआ है बड़ा नुकसान, बताएंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी हो टीम इंडिया के बड़े वाले फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एशिया कप 2023 का सातवां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। वहीं दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी कर बांग्लादेश के 4 विकेट 50 रन के अंदर गिरा चुके थे, जिसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान साकिब अल हसन 53 और मुशफिकुर रहीम 64 रन की बेहतरीन अर्धशतक की पारी खेलकर टीम को संभाला, जिसके मदद से बांग्लादेश की टीम 38 ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान टीम की ओर से नसीम शाह 3 तो वहीं हारिस रौफ ने बेहतरीन 4 विकेट अपने नाम किए। जवाब में दोस्तों 194 रन की छोटी सी लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। हालांकि बीच में बांग्लादेश ने विकेट लेकर मैच में वापसी किए, लेकिन टारगेट छोटी होने के कारण पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी किए और मुकाबले को आसानी से जीत लिया। जीत के बाद दोस्तों पाकिस्तान टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ है बहुत बड़ा फायदा। तो चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के इस शानदार जीत के बाद एशिया कप 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। बात करें दोस्तों पहले ग्रुप ए टीमों के पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जो अब तक 3 मुकाबले खेली है, जिसमें 2 मुकाबले जीती है और 1 मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है। पॉइंट्स टेबल में इसके 5 अंक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत की टीम पहुँच गई है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है, जिसमें 1 जीती है और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। पॉइंट्स टेबल में भारत का 3 अंक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों नेपाल की टीम मौजूद है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में नेपाल के 0 अंक है। बात करें दोस्तों ग्रुप बी टीमों के पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो पहले नंबर पर दोस्तों श्रीलंका की टीम मौजूद है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है, जिसमें दोनों मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 अंक अर्जित कर चुकी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम पहुँच गई है, जो अब तक 3 मुकाबले खेली है, जिसमें 1 जीती है और 2 मुकाबले हारी है। पॉइंट्स टेबल में इसके 2 अंक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम खिसक गई है, जो अब तक 2 मुकाबले खेली है और दोनों मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल में इसके 0 अंक है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान बांग्लादेश मुकाबले के बाद के पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।